चार दिन पूर्व हिंदू जागरण मंच के विभाग अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने मोहल्ले के ही नाम दर्ज युवकों के खिलाफ गोली मारने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दबंगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। प्रदीप सक्सेना का आरोप है कि चार दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है, जिससे उनके हौसले अभी भी बुलंद है। संगठन ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस सुसुप्त अवस्था में है। इसी के चलते प्रदेश के नवनियुक्त DGP हितेश अवस्थी के चित्र के सामने विभागाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने बीन बजाकर बुद्धि शुद्धि के लिए हवन कर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि शायद स्थानीय पुलिस बीन की आवाज सुनकर जाग जाए। प्रदीप सक्सेना ने कहा कि यदि पुलिस नामदर्ज गुंडों को गिरफ्तार कर कार्रवाई नहीं करती है तो उनका संगठन आमरण अनशन के लिए बाध्य होगा। पुलिस की ढील मूल रवैये के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ के उत्तर प्रदेश के DGP जो हैं हितेश चंद्र अवस्थी जी की बुद्धि शुद्धि की है और हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं ने उनकी फोटो के आगे भिंडी बजाई, क्योंकि यहाँ कायमगंज की पुलिस और इस जिले की पुलिस इस समय इच्छाधारी पुलिस बन गई। जब इच्छा होती तब जागती है। यहाँ बदमाशों ने सराफा व्यवसायी और कपड़ा व्यवसायी के कैमरे तोड़ दिए, जिनकी उनकी फुटेज भी आ गई। 1.5 महीने बाद जब अनशन की चेतावनी दी तब जाके उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट तो दर्ज कर ली मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। फुटेज वाले से ये नहीं पूछा कि तू क्यों तोड़ रहा है कैमरा, किस कारण से। अच्छा, उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर अभी 31 मई को रात 9:15 बजे गोली सीधी मारी, तो गोली सीधी यहाँ पर लगी आके पुलिस तो गोली भी यहाँ से बरामद कर ले गई, मगर मामूली धाराओं में उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आज तक उनके यहाँ कोई भी दबिश नहीं गई, ना उनसे पूछताछ की गई कि क्यों गोली चलाई थी भाई, कारण क्या है। अच्छा, मुझे अब ये लगता है ये जो कैमरे तोड़े गए थे इसका कारण यही था कि वो लोग मेरी हत्या करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर सीधी गोली चलाई दिया, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कि पहले कैमरा तोड़ा गया बाद में गोली चलाई गई। तो इसीलिए ये सोई हुई पुलिस को जगाने के लिए DGP की बुद्धि शुद्धि की है और उनके आगे बीन बजाई है। और इसके अलावा अगर ये 3 दिन के अंदर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर अनशन होगा। और सयानपुर, बदायूं, मैनपुरी, एटा, इटावा, कानपुर तक के पदाधिकारी यहाँ आएंगे और डेरा डाल देंगे। यहाँ सब लोगों से बात हो गई, अनशन की जिस दिन तारीख घोषित हो जाएगी उसी दिन वो सब यहाँ आ जाएंगे। हर जिले का 2 पदाधिकारी आएंगे, जिले से एक महामंत्री आएगा, एक जिलाध्यक्ष आएगा इन जिलों की। बाद बाकी पूरी फरकावत की और कायमगंज की टीम होगी। अब यहाँ जो भी होगा वो इसकी जिम्मेदार स्वयं पुलिस होगी, कायमगंज पुलिस। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का सबसे तेज से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल प्रजातंत्र TV।